शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। hey! एक आइडिया है, मैं चाहती हूँ तुम उसका चारा बनो। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ठीक तो हो ना? अगर उन्होंने मुझे काट लिया तो क्या होगा? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता? मेरा अंदाजा है। हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर हमने कोशिश की तो शायद काम बन जाए। अगर काम नहीं हुआ तो? सुनो अमन, हमारी वेबसाइट कभी भी डाउन हो जाती है, क्या तुम चेक करोगे? फिर से डाउन हो गई? ठीक है, जाके ठीक कर दो। तुम्हारा पीसी बाद में चेक करूंगा। तो शिल्पा, जरा मुझे बताओ कि तुम्हारा पीसी हमेशा खराब क्यों हो जाता है? मेरा पीसी पुराना है ना। तो मेरे ख्याल से नया खरीद लेना चाहिए। मैं नहीं खरीद सकती हूँ, मैं अभी तक प्रमोट नहीं हुई ना। जरा सुनो, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, अगर उसके साथ फ्लर्ट करना है तो ऑफिस के बाहर क्यों नहीं करती? तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम मेरी बात समझ रही हो ना, मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ बिल्कुल समझ रही हूँ। उससे दोबारा कभी अपना पीसी मत संभलवाना। ठीक है, अगली बार मैं ये सब छुप कर करूंगी। सुनिए बॉस, वैसे आजकल आपके पीसी में भी बहुत वायरस आने लगा है। हाँ। क्या मैं अच्छी नहीं हूं? नहीं, मैं ज्यादा अच्छी हूं। सूजन, कितनी देर हो गई, कब से सो रहा हूं मैं? 2 दिन से। क्या कह रही हो? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? नहीं, मैं मजाक कर रही थी, सिर्फ 3 घंटा। ओके, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मजाक मत किया करो। मैं भी आपकी जूनियर हूँ, माफ कर दीजिए। हाँ, अच्छा वो पुराने केस की क्या खबर है? प्रोग्रेस में है, हम आज शाम जा रहे हैं। हम ऑफिस क्लू ढूंढने आए थे, जब हमने हॉस्पिटल से क्लू कलेक्ट किया था तब वो गायब हो गए थे। इसमें 2 इंटरेस्टिंग बात है। पहला, वो बाइट है जो नेहा के नर्स के गले पे था, दोनों केसेस में सेम ही बाइट थे, चेक किए तो 100% सेम दिखे। बाइट्स में डीएनए मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, ये केस बाकी केसेस से बहुत अलग है। एक बात तो पक्की है कि एक आम इंसान इस तरीके से मर्डर नहीं कर सकता। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हम जब उसको हॉस्पिटल लेकर आए तो उसके ऑफिस का स्टाफ उसे देखने के लिए नहीं आया। एक्चुअली ये केस ही बहुत अजीब है, सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया होगा क्या हुआ। हो सकता है वो उससे मिलने आए हो, क्या पता उन्हें वो वहाँ पे मिले ही ना हो। लेकिन मेरे पास एक इम्पोर्टेंट बात है, मैंने CCTV के रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, बिना नंबर प्लेट की एक बाइक को मैंने घूमते हुए देखा था। जिस वक्त हम हॉस्पिटल पहुंचे उस वक्त मैंने उस बाइक को वहीं पर देखा था, वो जस्ट आई थी। अच्छा, इसलिए तुम उस बाइक को यहाँ से बैठ के ऑब्जर्व कर रही हो? हाँ, क्योंकि अगर तुम बाइक के पास डायरेक्टली गई तो हो सकता है क्रिमिनल को ये पता लग जाए कि तुम उस पर नजर रख रहे हो। हाँ। अमेजिंग, तुम तो बहुत कुछ सीख गई हो।
तैयार नहीं लग रहे हो। कैसे लगूंगा? मैं तो चाह रहा हूं ना, ये बहुत ही खतरनाक काम है। हम कब से इन ऑफिस वर्कर्स का पीछा कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। आपको एक बात नजर नहीं आ रही क्या? दो ऑफिस वर्कर्स स्कूल में बिना वजह की क्यों आएंगे, है ना सर? मुझे नहीं लगता कि ये अपने बच्चों को लेने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है, ये सही बात है या नहीं? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन क्या करें? मुझे पता है, लेकिन हम सिर्फ उन पर नजर रख सकते हैं। आप चुप क्यों हो गए? मेरी इंस्टिंक्ट्स मुझसे कह रही हैं कि मैं तुम पे भरोसा करूं। ये लोग तो इस बच्चे का पीछा कर रहे हैं। ये शक की बात है, हमें दूरी रखनी चाहिए। हम वैसे ही उसके पीछे चल रहे हैं, क्यों ना हम उसे पकड़ के यहीं पर मार दें? मैं ध्यान रखना चाहती हूँ कि कहीं हमारा प्लान चौपट ना हो जाए। वो कर क्या रहा है? सुनो, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? हाँ। ये खून की बोतल है और तुम इसे स्कूल क्यों लेकर आते हो? ये जानकर क्या करना है, वापस करो। तुम बड़े ही बदतमीज हो। वापस करो। अब कोई बात नहीं, अगर बॉटल चाहिए तो प्रिंसिपल सर से मांगना, मैं बदतमीज बच्चों से बात नहीं करता। सर, गोली की आवाज इधर से आई है, चलो। गोली देख के चलानी चाहिए, मुझे लग जाती तो। उस बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हो सकता है यहां छिपा हो।
फिर से एक मर्डर। तुम ठीक तो हो ना? मुझे चोट लगी। शिल्पा, रुको, बच्चे का पीछा क्यों कर रहे हो? सर, ये बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया है। नहीं, तुम्हें ये बोलने का कोई हक नहीं। सुनो, उस बच्चे से दूर रहना। यकीन मानो, वो एक वैम्पायर है। तुम डरो मत बेटा, मैं पुलिस वाली हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। संभाल कर। तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए था। आप कबीर की मां हो ना? जी हाँ। क्या आप उसकी दोस्त हैं? वो आपके साथ नहीं आया? जी नहीं, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। क्या आपको उससे कोई काम था? क्या आपको डर नहीं लगता? इन्वेस्टिगेशन टीम अंदर वेट कर रही है। जी। तो हमने जो अभी अभी अंदर देखा वो एक वैम्पायर था। जी हाँ, मैं नहीं चाहता कि आप इस पर भरोसा करें, लेकिन आपने ये खुद अपनी आंखों से देखा है। ये दुनिया जिसमें हम जीते हैं, इसमें हम अकेले नहीं हैं। अगर हमने इन्हें देखा नहीं होता तो तुम पर विश्वास नहीं करते। हर केस जो मैं इन्वेस्टिगेट करता हूं, उन सब में एक चीज कॉमन है, वैम्पायर होने की पॉसिबिलिटी। लेकिन अजीब तो यह है कि किसी भी क्राइम सीन पे अब तक कोई प्रॉपर प्रूफ ही नहीं मिला है। मैं कुछ एविडेंस कलेक्ट कर रही हूँ, उसमें भी ब्लड पैलेट्स हैं और सीसीटीवी रिकॉर्ड्स भी, और एक सस्पेक्ट तुम्हारे जैसा। मुझे कहने में अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन है तुम दोनों के पास कुछ तो ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से मर्डरर तक मुझे पहुंचने में आसानी होगी। अब ये मत समझना कि मैं तुम लोगों पे शक नहीं कर सकता।
क्योंकि ये भी हो सकता है कि तुम दोनों इन सारे केसेस से कहीं ना कहीं जुड़े हो। जो निशान मैंने अब तक क्राइम सीन्स पर देखा है वो तुम्हारे वेपन से बहुत मिलता है जिससे तुमने वैम्पायर को मारा था। ये निशान हर जगह है। तो तुम ये कह रही हो कि तुम सिर्फ वैम्पायर को मारती हो, इसीलिए तुम खूनी नहीं हो? मुझे लगता है कि मैं अकेला ही हूं जो तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता है। ये सब कुछ यकीन करना मुश्किल है कि वैम्पायर हमारी दुनिया में है और शिल्पा एक सीरियल किलर नहीं है। आपको यकीन भी नहीं होगा कि दो पुलिस वाले शिल्पा के साथ मिल गए हैं। हाँ मिस्टर धनराज, एक एग्रीमेंट होगा मेरी और शिल्पा की इन्वेस्टिगेशन के बाद। हमने टीम बनाने की सोची है ताकि हम वैम्पायर्स को ढूंढ पाएं।